गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। अभी है सुबह का टाइम, सुबह का भी नहीं है, दोपहर का हो गया है, लगभग 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे हैं, जिके की चल रही है ऑनलाइन क्लास और आज है थर्सडे, तो मैंने पहना है येलो कलर का सूट और कीर्तिन ने भी आज येलो कलर की टी शर्ट पहनी है। जिज्ञा ने कल पहनी थी तो मैंने आज उसको येलो नहीं पहनाई है। फिर दोनों सेम सेम भी हो जाते हैं, तो दोनों कभी कभी ऐसे करते हैं, मम्मी हमें सेम क्यों बना दिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कीर्तिन क्या कर रहे हैं। कीर्तिन क्या बना रहे हो बेटा? आज कीर्तिन बना रहे हैं खाना। अभी दीदी की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो कीर्तिन की लगी है खाना बनाने की ड्यूटी। पर बना रहे हैं कीर्तिन खाना, ये देखो बेटे क्या बना रहे हो। इस पैन में क्या बन रहा है दिखाना मुझे। ये तो खाली है और ये भी खाली है, और कीर्तिन का देखो कितना सामान यहाँ पर, लैपटॉप भी कीर्तिन का यहीं पर है। दिखा दो ना। ये देखो लैपटॉप भी यहीं पर छुपा रखा है, और ये गेम है ये भी यहीं पर रख रखा है कीर्तिन ने। दीवार बन जाएगी। अच्छा ये फोन से क्या हो रहा है? फोन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह मंगाई जा रही हैं क्या? नहीं, ये दीवार है, ये जो साइड है। अच्छा दीवार बना रखी है, किचन बना रखी है इसका मतलब। ये आगे किचन है और ये यहाँ थोड़ी दीवार है। अभी आप देख लो जिज्ञा की लग रही है ऑनलाइन क्लास यहाँ पर। बताएंगे मुझे चलिए अपना घोंसला किससे बनाती हूँ? मैम पिंको से। आपसे नहीं पूछा कल, आपसे नहीं पूछा, समृद्धि से नहीं पूछा, मैंने किससे पूछा है? आरब से पूछा है। आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके घर में भी ऐसे ही फैला रहता है क्या पूरा घर। ये देखो इनकी मस्ती कहाँ पर हो रही है मस्ती। अभी मैं काट लेती हूँ आम। ये जिज्ञा ने, मम्मी जिज्ञा बोल रही है कि मम्मी आम काट दो, तो मैं आम काट लेती हूँ। अम्मा घर से आए? हाँ ये कीर्तिन बोल रहे हैं अम्मा घर से आए। बेटे अम्मा के घर बाग है तो अम्मा के घर से ही आएंगे ना आम तो। हाँ, बहुत सारे बाग है मॉल मिलते हैं। मॉल में अच्छा रुक तो जाओ, तभी तो पता चलेगा क्या बोल रहे हो। कीर्तिन जाते हैं दादा की बाइक पे मोर देखने। दीदी भी जब दीदी लाश होती है मैं तेरे चला जाता हूँ। अब मैंने काट लिया है, ये देखो अभी जिज्ञा और कीर्तिन है खाने को रेडी, और ये दूसरा आम आ गया है काटने के लिए बच्चों का। मम्मी कच्चे वाले में ताला नमक डाल दूँ? डाल। आ जाए हैं गांव से आम, ये देखो गांव से आज पहली बार आम आए हैं, और अभी इतने बड़े गांव में आम हो गए हैं। गांव में जो पेड़ हैं, बाग हैं, वहां से आए हैं ये आम, और इनकी बनानी है मुझे चटनी, आम पन्ना, जो भी बच्चे खाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं नेबुलाइजर कैसे लेती हूँ। ये है नेबुलाइजर की मशीन, ये आपको दिख रही होगी। इसमें मैंने साफ करके एक डेढ़ ग्लास कर लिया है पानी, और इसमें 5-6 डाल लिए लौंग, और लौंग डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 5-6 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको चला दूंगी और इसकी मैं भाप जो आएगी ना वो लूंगी। ये बहुत फ़ायदा देती है जुखाम में और गले में परेशानी हो तो मैं गले में परेशानी है तो मैं विक्स की भी ले सकती हैं, लेकिन विक्स की मेरे थोड़े होंठ में प्रॉब्लम हो गई थी, होंठ फल गए थे बुखार के बाद में, तो इसलिए मैंने विक्स की नहीं ली है। अब मैंने ये चला दी है, विक्स से ये होंठ जो फल गए थे ना उस पर लग रही थी बहुत ज़्यादा विक्स, तो मैंने सोचा कि अभी होंठ उसी से ज़्यादा फल रहे हों, तो मैंने ये लौंग और तुलसी पत्ते का भाप इसमें, लौंग और तुलसी पत्ता इसमें नेबुलाइजर वाली मशीन में डाल के और इसकी भाप ली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये है शाम का ब्लॉग। शाम को बना रही थी मैं मैगी, और बच्चों ने करी थी आज मैगी की फरमाइश, और इधर दूसरे गैस पर बन रहा है दलिया।
दलिया मैं अपने और इनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा गला कुछ ठीक नहीं है। अभी भी ये वायरल फीवर का असर काफ़ी दिन तक रहता है, वीकनेस तो है ही अभी। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया। ये मैंने दूध अच्छे से बॉइल्ड हो गया था, इसमें मैंने छोटी कटोरी डाल दिया है दलिया। और इधर मैगी भी बन गई है। मैगी मैं डेली नहीं देती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक सप्ताह में एक बार मैगी दे ही देती हूँ बच्चों को। बच्चों का मन भी करता है, और फिर जब टीवी देखते हैं तो टीवी में जब एड वगैरह आता है तो ज़्यादा इनका मन हो जाता है मैगी खाने का। तो इधर दलिये में भी अच्छे से बॉइल्ड आ गया था और मैगी अच्छे से बन गई है। तो मैं ये प्लेट में निकाल देती हूँ। और दलिये का गैस मैंने मीडियम कर दिया था, जिससे कि ये धीमी धीमी आंच पर बनता रहे। मैगी मैंने प्लेट में निकाल दी है, जिससे कि ठंडी हो जाए। अभी बच्चे देख रहे थे टीवी। अभी इस बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो टीवी 1-2 घंटा टीवी भी देख लेते हैं, और पढ़ाई भी, ऑनलाइन क्लास भी, खेलना भी। और लॉकडाउन की वजह से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। अभी मैं मैगी हो जाने देती हूँ ठंडी। मैगी मैंने प्लेट में निकाल ली है और ये अच्छे से ठंडी हो गई है, मतलब खाने लायक ठंडी हो गई। इतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं करी है मैंने। और अभी मैं दे देती हूँ बच्चों को। इधर दलिये में भी अच्छे से बॉइल्ड आ रहा है। उसके बाद मुझे चटनी बनानी है और आटा भी मलना है। ये देखो अच्छे से बॉइल्ड आ गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। चीनी डालने के बाद इसको मैं 1-2 मिनट और इसमें बॉइल्ड आने दूंगी, उसके बाद कर दूंगी गैस ऑफ। चीनी डालने के बाद अच्छे से बॉइल्ड आ जाता है, तभी इसमें दलिये में टेस्ट अच्छा आता है। और अब मैं बना रही हूँ नमक की रोटी के लिए आटा। ये लिया है मैंने थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा और थोड़ा सा कुट्टू का आटा। आज मैं कई आटों को मिलाकर, कई तरीके के आटों को मिलाकर बना रही हूँ रोटी। कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा डाल लिया है मैंने, और ये डाल रही हूँ मैं चने का आटा। इसे मिस्सा आटा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। चने का आटा मैं डब्बे से डाल रही थी, लेकिन ये कम था, तो मैंने ये बड़ी वाली चम्मच ले ली है, उससे डाल लिया है। और अभी मुझे इसमें डालना है गेहूं का आटा। ये मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गेहूं का आटा। सारे आटे छने हुए थे, मैं पहले से ही छान के रख लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सेंधा नमक। हमारे यहाँ सेंधा नमक ही खाते हैं, सादा नमक जो होता है वो नहीं खाते हैं। और इसमें आधा चम्मच डाल दी मैंने अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद, ये पुदीना की पत्ती है जो मैंने सुखा कर रख ली थी। पुदीना ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसे सुखा कर रख लेती हूँ। तो ये आधा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें पुदीना का जो पत्ती है पाउडर। और इसमें मैं छोटी चम्मच डाल रही हूँ घी। इन सबको मिलाने के बाद मैं अच्छे से गूंद लूंगी। और इधर मैंने चटनी भी बना ली थी। चटनी मैंने टमाटर की बनाई है, टमाटर और इसमें एक छोटी प्याज भी डाल ली है, और हरी मिर्च, नमक, और इसमें मैंने पुदीना की पत्ती भी आधा चम्मच चटनी में भी डाल ली थी, ये वाली पुदीना की पत्ती। ये देखो चटनी कितनी अच्छी बनी है। टमाटर कुछ रेड कम था, तो ये पूरी रेड नहीं बनी है। और ये आटा मैंने अच्छे से मल लिया है, ये देखो। इसको मैं 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। आटे को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तभी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हो गया है, इसे 1-2 मिनट मैंने छोड़ दिया था। अब मैं बना रही हूँ रोटी। ये तवा अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इस पर डाल दी है रोटी। ये देखो कितनी अच्छे से रोटी सिक रही थी। यहाँ मैंने तवे से उतार के और इसके फुलाने के लिए रख दी है गैस पर, और ये अच्छे से फूल जाएगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। रोटी अच्छे से फूल गई है। रोटी के नमक की रोटी के साथ अगर मक्खन और चटनी हो तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं। और अब मैंने बनाया था दलिया भी, ये मैंने इनकी प्लेट लगा ली थी। इसमें मैंने दलिया, चटनी, मक्खन और रोटी है। रोटी में मैं फिर से घी लगा लूंगी। दलिया भी हमारा बहुत अच्छा बना है। आइए आप भी खा लीजिए नमक की रोटी, चटनी और दलिये के साथ। मक्खन भी है, गाँव वाला मक्खन। अभी कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।